रीट एग्जामिनेशन को लेकर किस तरह के डायरेक्शन मिले हैं और प्रबंधन किस तरह से तैयारी में जुटा हुआ है? बाड़मेर जिले में लगभग 40,000 से अधिक विद्यार्थियों के सेंटर्स आए हैं। यहाँ से जाने वाले भी कई दिन रहेंगे। इसके एवज में निगम के पास 70 बसें हैं रोडवेज की, इन बसों के माध्यम से हम इनको भिजवा पाएंगे। पूर्ण रूप से तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, परंतु परिवहन विभाग की भी मदद हमने ली है, जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है इसमें। और मेजरली जो संख्या है बाड़मेर जिले में जालौर जिले से आने वालों की है और जोधपुर जिले से आने वालों की। मेजरली हमारा फोकस इन रूटों पर ज़्यादा रहेगा और शिफ्ट के बाद हम एक साथ ही बड़ी संख्या में इधर से बसों को निकालेंगे। तो सर, जो दूरस्थ इलाके हैं उनके लिए किस तरह से व्यवस्था है, कितने दिन पहले और किस तरह से कार्य योजना बनाई जा रही है? वैसे राज्य सरकार द्वारा 20 सितंबर से ही फ्री कर दिया गया है स्टूडेंट को, जो जैसे लंबी दूरी पे जाना चाहते हैं वो 20 तारीख से ही फ्री होंगे। तो उसके लिए तो अभी पर्याप्त बसें चल रही हैं, हर 20 मिनट में जोधपुर मार्ग पर है, अजमेर, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर सभी मार्गों के लिए बसें चल रही हैं। तो सर, कितनी बड़ी चुनौती है 20 से 22 लाख अभ्यर्थी है और निगम के पास 4,000 बसें ही है पूरे प्रदेश में? चुनौती काफ़ी बड़ी है क्योंकि सीमित संसाधन है निगम के पास में, उसको देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में आ रहे हैं। एक काफ़ी चुनौती है सरकार की भी, प्रशासन की भी, निगम की भी।